पाकिस्तान सुपर लीग इन दिनों अपने आखिरी चरण में चल रही है। पहले दर्शकों की कमी और फिर कई तरह के विवादों में रही पीएसएल में अब शाहिद अफरीदी की एक बॉल चर्चाओं का केंद्र बन गई है। पाकिस्तान सुपर लीग के एक मैच में पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने अपनी लेग स्पिन गेंदबाजी से सभी को चकमा दे दिया। किरण पोलार्ड को अफरीदी ने ऐसी गेंद फेंकी कि पता ही नहीं चला कि कब उसने स्टंप उखाड़ दिए। मजे की बात यह थी कि अफरीदी ने पोलार्ड को लेग स्टंप से बाहर बॉल फेंकी थी, लेकिन बॉल ने इतना जबरदस्त टर्न लिया कि वो ऑफ स्टंप को उड़ाती हुई निकल गई। पोलार्ड सिर्फ देखते रह गए कि बॉल कहां से आई और कहां चली गई, और हैरान रह गए। और इस बॉल को क्रिकेट इतिहास की एक सर्वश्रेष्ठ बॉलों में से एक कहा जा रहा है। अफरीदी का पोलार्ड को आउट करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। करीब 12 सेकंड के इस वीडियो में दिखाई देता है कि अफरीदी ने लेग स्टंप पर बॉल फेंकी थी, जो चकमा देती हुई ऑफ स्टंप को उड़ा देती है। अफरीदी ने इस मैच में कुल 3 विकेट लिए। अफरीदी ने किरण पोलार्ड, शोएब मलिक और सैफ बाबर को आउट किया। अफरीदी ने 4 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए और 3 विकेट झटके। मीडिया रिपोर्ट।